प्रेजेंटेड बाय एसटी लाइव। बहुत कम समय में बहुत बढ़िया काव्य पाठ इन्होंने कर दिया, एक सार गर्भित रचना का पाठ कर दिया। मैं चाहता हूँ तालियां बजाकर उन तक आप अपनी बधाई पहुँचाएं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल धोली टोपी लगार, धोली टोपी भी बिल्कुल क्रिकेट वाली, और खटई खई कमी न रखी। आगलो आदमी सज धज राबा महीने, कपड़ों लगार कविता तक महीने, खई कमी न रखी। अब आपा तालियाँ कमी राबा दें तो यह अपनी मर्जी है, बाकी बहुत बढ़िया। माला भी फेराई और मुकेश जी चेचाणी को विशेष धन्यवाद करनो, आपने माला फेराई, मौका पर काम आया, जो मौका पर काम आ जावे वो आपनों है, बाकी ये तो सब मोह माया है, सही मतलब यहाँ को है, जो टेम पर काम आवे जो आपनों, और यो आगलो दनी आपने जरूरत पड़ी जितिया काम आयो वहाँ का काम पेड़ी जीती आप ही काम आवा आधी रात ने त्यार। मुकेश जी माइक पर आबा की देर आप माला फेरावा तुरंत, बाकी जो लोग खड़ा है वह तो खड़ा ही रही, हाँ वह न बैठे, मतलब माँ शारदे की वंदना होगी, गुरुदेव पधारिया यदि भी वह न बैठिया, माँ शारदे की वंदना हुई तो ये न बैठिया, और एक कवि को बलिदान वे चुक्यो तो ये न बैठिया, और मन लगे ये न बैठे, यानि बादल जी ने खैर यानि 5-25 हज़ार रुपया देर, यानि भी बैठानो आपन चुनाव में आज ऑर्डर बैठाना न बैठाना भाई, थे न बैठो तो मैं हार जावा, जो कोई बात को ना ने जा रहा रूस रूस सर, हाँ जो भी बैठे जाना तो बैठाओ, आज जोड़ छावशानी कर आता जोड़ी करन, कोई बात को ना बढ़िया है। मैं अगले क्रम पर एक अच्छे व्यक्ति को और अच्छे कवि को और एक अच्छे मिशन के व्यक्ति को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ, हैं भाई नारायण जी भदाला हैं, बढ़िया कवि हैं, मैं 2 मिनट में बुला रहा हूँ, बैठो ना 2 मिनट मैं बुलाऊँगा, जब आना है, नाम लिया था मैंने केवल, अच्छा ये भगत सिंह का टी शर्ट केवल दिखाने के लिए नहीं है, निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि देश में हर बच्चा भगत सिंह जैसा हो, हम इसलिए तो हैं अपनों से लड़ता है घर में, हैं अपनों से लड़ता है घर में, सीना चोरी करता है, एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है, हैं बनना अपराधों में शामिल होकर के नज़रों से गिरता है, अपराधों में शामिल होकर के नज़रों से गिरता है, बना निठल्ला फिरता है वो, बना निठल्ला फिरता है, बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है, जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है, तो अपने मन पर करो नियंत्रण, अपने मन पर करो नियंत्रण, घर खुशियों से भर दो, अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो, और नशे को खत्म करने का संकल्प लेकर के जो युवा हमारे बीच में उपस्थित हैं, नरी बार यहाँ के ये डाडीर बाल थोड़ा लंबा बड़ा रे क्या जी, यानी ये तपोप खा ले जाऊँ थोड़ा छेटी बैठनो पड़े, बहुत सारी समस्या है नरी बार, आग पकड़ ले हुए कहीं कौन है जो ये, अच्छा ये उठा अखाड़ा में तो नरी बार ये ईशान यूँ लूंगी बांध और फर जाओ जी टेम लोग आवे जी यहाँ के धोख दे जावे स्वामी जी, लेकिन ये काफ़ी युवा व्यक्तित्व हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आनंद के साथ हंसते हंसाते आप, मतलब कोई टेंशन मत लेना, हंसते हंसाते अपने आनंद के साथ, और बढ़िया आपको आनंद आएगा, और गुरुदेव यहाँ विराजमान है तो गुरुदेव के सम्मुख इनकी जो एक फेमस कविता है वो जरूर होनी चाहिए, मृत्यु भोज के ऊपर, एक बार आप लोग जोरदार तालियाँ बजा करके नारायण जी कविता तालियाँ बजा के बताओ एक बार। अच्छा ये भी ऐसा नहीं है कि कोरोना में केवल अपन सभी घर बैठे थे, ये भी घर बैठे थे, 9-10 महीना बाद आज वापस उसी कविता को बोला, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि 9 महीने बाद 10 महीने बाद माइक पर आकर के उस कविता को वापस बोल देना, जिसका शायद कुछ लाइनें 1-2 लाइनें भूले होंगे लेकिन पूरी की पूरी कविता यूँ की यूँ बोल दी, ये बहुत ही बड़ा काम है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना स्मरण रखना भी बड़ी बात है, 9 महीने बाद माइक पर आए हैं, ठीक है ये माँ का सब कवियों का ये एक साथ ही आज रोजा खुल रहा है, हाँ हाँ देखियो ही कौन है माइक, लॉकडाउन का महीने है, अच्छा घर में कविता होना हो तो घर का कूट है, थाना तो वहां पसंद ना हो तो ऊट फरा जाओ, न तो कविया ने बिठाना तो ऊपर घर का अचान थोड़ी करे घर का, अच्छा बाहर जाबा का भी कौन है, बाहर जावा तो पुलिस वाला कूटे, लॉकडाउन में तो बहुत आनंद आयो, मतलब लॉकडाउन तो मतलब अत्रो आनंददायी रियो, कि कुछ कुछ लोगों ने तो अत्रो आनंद आयो का हाल तक भी खोड़ा खोड़ा चले
मतलब इतनी इतनी ज़्यादा मात्रा में आनंद आ गया। लॉकडाउन का आनंद तो कुछ और ही है। मैं एक बढ़िया मस्त हास्य कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ, और राजस्थानी हास्य कवि। राजस्थानी भाषा तो बहुत चमत्कारिक भाषा है, मतलब वास्तव में बहुत बढ़िया। आपने राजस्थानी में जो आनंद है ना हास्य को, वो मतलब आनंद खटे ही कौन है। और हर जगह लोक भाषा का जलवा होता है, लोक भाषा में ही सर्वाधिक आनंद आता है। मतलब माँ कहता है एक 80 साल का वेदराज जी, 80 साल की उम्र है वेदराज जी की। अच्छा जी मरीज, वो मरीजा का स्वर्ण बाबू को जो बेड लगा मिलियो ना, वहां पर वह खुद ही होता रहे हुए। और कोई मरीज आ जाओ तो वह कुर्सी पर बैठ रहे, मरीज ने ऊपर बैठान और वहां की या अटो नाड़ी पकड़। अरे यूं बैठे जो मैं सोच रहा हूँ कहाँ बैठे, यूं बैठ रहे होता वे कसी दवाई नरा दन न बकी जो इन दे दू। मतलब मेडिकल लाइन की तो वास्तव में बहुत हालत खराब है। मैं हमारा दाता को ऑपरेशन करावा क्यों, जो उठा है ये सर्वाधिक लूटपाट ही मेडिकल लाइन में होती है। मैं वहाँ गया, जो वहाँ दीवार पर डॉक्टर साहब की तस्वीर लटकी हुई, दांतों का ऑपरेशन कराने गया। उनका डॉक्टर साहब का पिताजी भी डॉक्टर था, जो वहाँ की तस्वीर लगी थी कि जी पर लिखियो तो को स्वर्गीय डॉक्टर फला फला। सबों ज़्यादा लूटपाट आपने मेडिकल का मीन हो गए, सबों ज़्यादा आपने मतलब आप एक बीमारी को इलाज करावा जाओ और दूसरी बीमारी निकल जाए तो दूसरे अस्पताल में खंदा दी, यो इलाज माँ कहते नो हो। आपने तो जो छारिया जो ले लीदा, अब वह भी तो ले ही ना। मतलब आप दो ही, मैं तो कह रही हूँ को आबा वाला टाइम में ई आँख को न्यारो अस्पताल, ई आँख को न्यारो अस्पताल, ई आंगली को न्यारो अस्पताल, मैं पूरी जत्री हाथ पगा में आंगलिया है सबका अस्पताल, 32 दांतों का 32 अस्पताल। कमाई करनी तो पूरी करो ना यार, मतलब फुल लूटेंगे। हमारी हिंदी की कविता है जिन्हें राजस्थानी में कन्वर्ट कर बोल रही हूँ मैं। हाँ मतलब आप मतलब डॉक्टर साहब का तस्वीर लटकी थी कि पिताजी की स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला, जो हमारे लोग तो देखते हैं क्यों ओले। मैं क्यों खाई हुई हो जो डॉक्टर साहब तो मर गया, अब ऑपरेशन कौन कह रही, जो मैं क्यों ये दीतवार हूँ, दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे। पर सारा ऑपरेशन यही करन जावे। मतलब राजस्थानी भाषा अपनी मेवाड़ी भाषा का जलवा है, चमत्कार है। हैं बहुत पुराना आप सुन चुके हो, वो नहीं सुना रहा हूँ, नहीं सुना रहा हूँ। हैं मतलब इतनी प्यारी भाषा राजस्थानी भाषा में बड़े बड़े मंत्र हैं। राजस्थानी भाषा में कुत्ता भगाने का मंत्र है, आप लोग काम में लेते हो लेकिन जानते नहीं हो कि ये मंत्र है। और जब आप कुत्ता सामने खड़ा और मंत्र पढ़ देते हो तो बिना पढ़ा लिखा कुत्ता भी भाग जाता है। हैं और वो कुत्ता भगाने का मंत्र है दूर दूर, कुत्ता बुलाने का मंत्र है तू तू। मतलब कुत्ते को थोड़ी शिक्षित कर रखा कि ये कहते तू आना, लेकिन वो मंत्र है जिस में कुत्ते ने पहली बार सुना वो भी आ जाएगा। जब हमारे गांव में भैंस तालाब के अंदर चली जाती है तो भैंस का मालिक तालाब के किनारे खड़े होकर के 3 बार मंत्रों का उच्चारण करता है, डीडो डीडो, ये सुनकर के भैंस बाहर आ जाती है। मंत्र शक्ति का चमत्कार नहीं तो और क्या है। ये राजकुमार जी बादल राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये विधानसभा भवन के बाहर आने वाले समय में अनशन पर बैठने वाले हैं, हम लोग भी इनके साथ पीछे खड़े रहेंगे, अनशन नहीं करेंगे, अनशन ये अकेले ही करेंगे। हाँ राजस्थानी भाषा वास्तव में 8वीं अनुसूची में जब वास्तव में शामिल हो जाएगी, मैं तो कह रहा हूँ इनकी मेहनत रंग लाएगी। सच में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, उनमें राजकुमार जी बादल भी हैं, जो बड़े हैं उनका पहले नाम आता ही है। और निश्चित रूप से इनकी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिलेगी और हमारे यहाँ स्कूलों में राजस्थानी भाषा भी पढ़ाई जाएगी। और राजस्थानी भाषा जब पढ़ाई जाएगी तो परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं होंगी तो पेपर आएगा, निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो और मुहावरे होंगे तो सुने घना जना ने भोग लाग बल आएगी। घना जना ने पुरानी बातें याद आएगी। अच्छा मैं तुम्हारे शहर में रहता हूँ, गांव 25 साल तक गांव में रहा, अभी शहर में रहता हूँ। और शहर में हालता और ज़्यादा खराब, शहर में कहीं बफर को खानो होवे ने, वो बाड़ा में बाड़ दे हारा ने,
और दो ही धनी लुगाई गेट पर खड़ा हो जाओ जाके जीवना हो जो। अच्छा मैं यहाँ के अरविंद जी के जीवना यहाँ के अरविंद जी शर्मा के गो बेगू जो भाई साहब और भाभी जी दो ही गेट पर खड़ा थका गो जी टेम और फाचो आयो जी टेम कोरा भाई साहब खड़ा थका जो मैं भाभी जी ने क्यों मैं क्यों भाई साहब खटा है जो कह जी के वो दो जना बने लिपाप दिया चलिया गया जो मैं पाचे पाचे गया गया मतलब अतरी ध्यान रखनी पड़े कोई अपने गाँव में तो नाम लिखार जावे पर उठती वो सिस्टम अलग ही है। हाँ जीवना के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, जीवना तो वास्तव में जीवना ही है, जीवने का कोई मुकाबला थोड़ी है, जीवना जितरो आनंद खामे ही ना आवे। ये तो नारायण जी छुड़ा रहा जो चलो थोड़ा घना तो यूं कम हो जाए। हाँ बाकी आपने उशान तो ये मृत्यु भोज को करवाई जरूरत ही कौन, आपने तो हीरो होंडा लावा तो ही स्वामणि करा तुम्हारे हीरो होंडा आ जाए नाड़े थारे राती जुगो जगाऊं और स्वामणि कह रहा हूँ बोल में की दी थी कि जो है मतलब बूढ़ी बूढ़ी लुगाया भी लिपा पोती कर जिम्बा जावे और मारी खुद की बाबा न बावा करती थी कि 20 गुलाब जामुन खा जावे। अच्छा जीमणा में देखियो भाई एक जुनो बिल्कुल दौड़ा गाबा फेर छुट पई हो ने तो बनर फरे और दूजा का जीमणा में उनको खई लेनो देनो कोई ने पण सबकी मनवारा करे और जीमबा ने अगर कोई विधायक या प्रधान साहब जो आ जावे तो जीके जीमणो है वो गाबा में ही न मावे वो हाथ जोड़ और है मतलब हाथ जोड़ प्रधान साहब ने कहे कि आप आ गया मतलब मारे सब आ गया अब मार कोई न चारियो। और या बात यदि वहां पातिया पर जीमता तक आदमी का नाम पड़ जाओ तो वहां ना मंगता कांगा जैसी फीलिंग आवे जाना नू तो देर जीमबा तो खाली प्रधान साहब नहीं बुलाया आपा सब तो बने नूते आया। अच्छा फरदान साहब के वहां पातिया को ऊपर दरी एक्स्ट्रा बचानी आवे। अच्छा वहां एक्स्ट्रा दरी बैठ पर जो ही फरदान साहब बैठे अच्छा वहां का तो तेरा जगह को वो नूतो रेवे तो वह तो खटेक अड़े खटेक न अड़े पर वहां के लारे वहां बापड़ा कार्यकर्ता ने भूखो उठनो पड़े। अच्छा वह झट जो ही प्रधान साहब ने कहा साहब गुलाब जामुन लोर वे मार तो शुगर है के जी पहले वो जीमा बाड़ा ही परेशान हो गए अरे यहाँ का सबके ही शुगर है रे। अब वह कार्यकर्ता क्षान खेवे जो माँ के कोई ना माँ के लो आंखें आंखें में इशारा करे कि भैया दाल पुड़िया खाओ और जाओ। यह आनंद है बहुत बढ़िया सुनाया है? मैं इस कवि सम्मेलन का थोड़ा सा घेर बदलना चाहता हूँ। आदमी ठाने बिना जगजीत हो सकता नहीं, बिन बिलोए तो दही नवनीत हो सकता नहीं। गीत शब्दों की सजावट और लय का नाम है, आत्मा जिसमें न हो वो गीत हो सकता नहीं। तो गीत लिखने वाला गीत जो है वो कविता का सर्वश्रेष्ठ रूप माना गया है हिंदी कविता का, और गीत लिखने वाला जो हमारे बीच में हो वो वाकई श्रेष्ठ है और बधाई का पात्र होता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ हमारे राजस्थानी के लोकप्रिय गीतकार राजकुमार जी बादल विराजमान है और गीतों का ऐसा ही एक चितेरा नवीन नव हमारे बीच में है जो देशभक्ति की भी बात करता है। एक बार बधाई दे दीजिए और हाँ बिल्कुल उन्हीं को बुलाएंगे। पर ये दो आदमी कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं ये अशोक कई काम आ गया था का? आधी रात ने हाडी 12 बजे मैंने बताओ ने हाडी 12 बजे तो कोई को फोन भी आ जाओ तो आका घर का टेंशन में आ जाओ भाई बाणो कुण को फोन आयो ना आणो छावे हाडी 12 बजे अचानक उबो ने वेणो छावे। हाँ नरी बार दिल बैठ जावे आपा तो खड़ा हो जावा बड़े वाला का अटैक आ जावे आपा ने ऐसा नो आणो फिर माता पर यो टोपो ऑर्डर एकदम बिल्कुल अशोक रूप बनार बैठो आराम हो बैठ जाओ आराम बिल्कुल सीधा। हाँ एक आदमी आदो ऊंचो हुयो तो को दिखे अतरोक तो आपाने यूं लगे यार यो अतरोक खा ऊंचो हो रियो इको कहीं नीचे पाटो पड़ियो तो को है कि कही है बहुत बढ़िया। आपने आदरणीय माताएं बहनें जा रही है उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, इनको तो सुबह उठ के वहाँ पर टिफिन भी तो तैयार करना है दो दो खंड का
सही बात है, आका घर गाय की रोटियां बनानी पड़े, बहुत सारा काम है गुरुदेव, औरतों को बहुत काम रहता है सुबह से शाम तक। और आप ऐसा वही औरतें कहती, इसलिए भी आदमी बेचारो पत्रों ही बाण है बाटा तोड़ रहे भी आ रहे हो वे तो ही वाके थाना नंगे पड़ेगी, काम तो मुंह कर रही हूँ घर में। अच्छा मतलब आदमी कलेक्टर भी हो ही, घर को पति घर को लोग कलेक्टर भी हो ही तो भी बाहर ने लुग गई हुआ बाहर ने लोग यही खेती फेरी यहाँ में खई लक्कन कोई ने खई लक्कन कोई ने हारा काम मुंह कर रही हूँ। मतलब आदमी कलेक्टर है और एक लुगाई की यह आदत गणी माके तो ये गणा बोला के, जबकि आका गांव में वही तल में लिया दूजा का तीन प्लॉट खा में लिया जमीन की कब पर कब्जो कर में लियो दूजा खेत में डंडा वो छोड़ रहा है सब काम वो दारू पीर शाम का लोगों ने गलिया वो खाडे पर खे ये बोला मन का वो यानी कोई भी ठग ले वे गए। तो महिलाओं की भाषा थोड़ी अलग होती है, मतलब इसी तरह की मौज मस्ती वाली टिप्पणियों के लिए और राजस्थानी के मीठे गीतों के लिए जिन्हें पूरे देश में बुलाया जाता है, पूरे देश में जहां राजस्थानी बोली और सुनी जाती है, जहां जहां राजस्थानी आजकल पूरे देश में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में और ज़्यादा रहते हैं, चेन्नई हैदराबाद कोलकाता मुंबई इचलकरंजी जहां जहां पता नहीं क्या कहां कहां, मतलब और उस संपूर्ण हिंदुस्तान की यात्रा अपने इस मेवाड़ क्षेत्र का नाम लेकर के शक्करगढ़ बाकरा का नाम लेकर के उस संपूर्ण हिंदुस्तान की यात्रा करने वाले कवि का भारत माता की परिक्रमा हास्य और मस्ती के गीतों के साथ करने वाले कवि का नाम होता है आदरणीय राजकुमार जी बादल। यह इस धरती के लिए गौरव की बात है कि एक जिसे कहना चाहता हूँ सुपरस्टार, वाकई लोकप्रिय कविता जो कविता कवि की जो लोकप्रियता है वो मैंने आज तक मैंने कई बार सामने बैठ करके सुना, मैंने ऐसा सरस कवि और इतनी लोकप्रियता किसी राजस्थानी कवि की नहीं देखी जितनी राजकुमार जी बादल की, चाहे हाड़ोती का क्षेत्र हो चाहे मारवाड़ का क्षेत्र हो चाहे शेखावाटी का क्षेत्र हो। इसलिए मैं चार पंक्तियों के साथ अपने क्षेत्र के इस लाडले गीतकार को बुलाना चाहता हूँ, अपने बड़े भैया को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि चार पंक्तियाँ कौन सी थी मैं जो बोलनी थी अपने को जिया नहीं जो कभी रिसालों के वास्ते, अखबार समाचार पत्र पत्रिकाएं इनको कहा जाता है कि जिया नहीं जो कभी रिसालों के वास्ते जवाब बन गया जो सवालों के वास्ते, जब जब भी शाह रात सर उठाएगी काली रात अंधेरी रात अमावस वाली रात, जब जब भी शाह रात सर उठाएगी राजकुमार जी आपकी खोज होगी उजालों के वास्ते, आपकी खोज होगी उजालों के वास्ते। एक बार जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं एक बार मेरे कहने से दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके खुद आमंत्रित करें राजकुमार जी आए और अपना कविता पढ़ें।